अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर झूठे केस बनाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की कड़ी निंदा करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए इससे शर्मनाक विषय और कुछ नहीं हो सकता कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा के 11 वर्षों बाद भी वहां के छात्र अभी तक अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तरस रहे हैं। प्रदेश की चाहे पूर्व की सरकार रही हो या वर्तमान सरकार की बात करें तो दोनों राजनीतिक दलों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर तो जमकर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया, परंतु इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मात्र बड़े बड़े भाषणों के बजाय अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना स्थायी परिसर तक नहीं मिल पाया है। वहीं अगर बात करें सीयू को चलाने वाले अधिकारियों की तो पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय के कुलसचिव का व्यवहार जिस तरह से छात्रों के लिए रहा है, ये शिक्षा जगत के लिए बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह देहरा कैंपस के अंदर पिछले काफी लंबे समय से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग रख रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर कुलपति या कुलसचिव को बुलाकर ज्ञापन देना चाहा तो विश्वविद्यालय के अधिकारी वहां जाने से साफ मना कर देते हैं, जो ये दर्शाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र हितों की कोई भी चिंता नहीं है। वे मात्र खाना पूर्ति के लिए ही कुर्सी का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद मजबूरी में विद्यार्थी परिषद को प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अशांति का हवाला देकर तानाशाही तरीके से 2 मार्च तक विश्वविद्यालय को बंद करने का फरमान जारी कर देता है। वहीं हम सब देखते हैं कि कुलसचिव जो विश्वविद्यालय आते हैं तो किस तरह से वहां पर छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और किस तरीके से छात्रों को धमकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे तानाशाही कुलसचिव के पास अतिरिक्त कार्यभार है और वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कुलसचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। वहीं अगर बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की तो धर्मशाला में स्थित अपने आवास पर होने के बावजूद भी उन्हें छात्र मांगों की कोई सुध नहीं है तथा ऐसे अयोग्य अधिकारियों का संरक्षण भी उनके द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण को लेकर कुलपति महोदय की कोई भी प्रशासनिक भूमिका नहीं रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सभी परिसरों के पुस्तकालयों में छात्रों व शोधार्थियों को बैठने की उचित सुविधा प्रदान की जाए। विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए बहुत सारे कोर्स तो चला दिए जाते हैं, परंतु उन छात्रों को यदि सुविधाएं देने की बात हो, चाहे वे साइंस के विद्यार्थी हों, पत्रकारिता के छात्र हों या किसी भी विभाग के छात्र हों, विश्वविद्यालय प्रशासन उन सभी छात्रों को मूलभूत सुविधाएं देने तक में नाकामयाब रहा है। कोई भी ऐसा विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर नहीं है जहां पर छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं पूरी हों। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस को छोड़कर यदि शाहपुर व देहरा कैंपस की बात की जाए तो वहां पर छात्रों को न हॉस्टल की सुविधा है और न ही बस की सुविधा विश्वविद्यालय प्रदान कर पाया है। वहां के छात्र अपनी फीस से ज्यादा महंगे किराए के कमरे लेने को मजबूर हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय को भरपूर वित्तीय सहायता की जाती है, परंतु बावजूद इसके केंद्रीय विश्वविद्यालय के गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों की वजह से छात्रों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, छात्र उससे वंचित रह रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार व केंद्रीय राज्य मंत्री के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मात्र राजनीतिक रोटियां ही विश्वविद्यालय के नाम पर नेताओं द्वारा से की जाती हैं, परंतु स्थायी परिसर निर्माण की बात हो तो अभी तक एक ईंट तक भी विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण को लेकर नहीं लगाई गई है। पिछले 11 वर्षों से केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण न हो पाने के लिए प्रदेश के पूर्व सरकार तथा प्रदेश के सांसद व वर्तमान सरकार का ढिलमुल रवैया जिम्मेदार है। प्रदेश के सभी नेताओं द्वारा, चाहे वे संसद हो, केंद्रीय राज्य मंत्री हो या स्थानीय विधायक हो, सत्ता में आने से पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण को लेकर बड़े बड़े वायदे जनता के साथ किए गए और अभी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर उनके द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जारी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि पिछले 12 दिनों से लगातार विद्यार्थी परिषद केंद्रीय विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन तथा
भूख हड़ताल कर रही है, परंतु अभी तक भी कोई स्थानीय नेता, सांसद, विधायक व मंत्री छात्रों का हाल तक पूछने नहीं आता है और न ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत है जो छात्रों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन, प्रदेश सरकार, केंद्रीय मंत्री, स्थानीय सांसद व विधायक को चेतावनी देती है कि विद्यार्थी परिषद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों को न्याय दिलवाने, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने व मूलभूत सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस लड़ाई को विद्यार्थी परिषद अब निर्णायक लड़ाई के रूप में लड़ेगी व अपने आंदोलन को समाधान तक ले जाने के लिए जारी रखेगी। विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन की छात्रों के प्रति हो रही अनदेखी और इस प्रदेश की व केंद्र सरकार की इस विश्वविद्यालय को लेकर हो रही अनदेखी को लेकर ये प्रेस वार्ता की। हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद पिछले 12 दिनों से इस कैंपस के छात्रों को मूलभूत सुविधाएं दिलवाने के लिए एक आंदोलन कर रही है। वो मूलभूत सुविधाएं क्या हैं ये भी जानने की आवश्यकता है। इस कैंपस के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, फोटोग्राफी का कोर्स चल रहा है, एक भी कैमरा नहीं है, बी वॉक का कोर्स चल रहा है, छात्रों को कंप्यूटर तक नहीं है, साइंस के ऐसे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, 6 कोर्सेज के अंदर मात्र 2 कोर्सेज के अंदर ही आप छात्रों को लैब दे रहे हैं, बाकी 4 साइंसेज के कोर्सेज के अंदर आप छात्रों को लैब ही नहीं दे पा रहे, ऐसी पढ़ाई इस विश्वविद्यालय के अंदर हो रही है। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, वहाँ छात्रों को बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की छात्रों को सुविधाओं का अभाव इस कैंपस के अंदर है। वो छात्र जो एक सपने लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है, उन सपनों को तोड़कर उसको मानसिक पीड़ा देने का कार्य इस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उन छात्रों को सुविधाएं दिलवाने के लिए ये हमारा आंदोलन चला है और काफी लंबे समय से इस कैंपस को स्थायी परिसर की मांग हम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक चाहे वो यहाँ के स्थानीय नेता हो, चाहे वो प्रदेश की सरकारें रही हो, चाहे वो कांग्रेस की, चाहे वो भाजपा की, उन सभी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी कैंपस का निर्माण नहीं हो पा रहा है और यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रशासन की छात्रों के प्रति जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है उसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी निंदा कम है। इन सभी मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन चला है और आने वाले समय में हमारी यह लड़ाई निर्णायक लड़ाई साबित होगी, ऐसा विश्वास विद्यार्थी परिषद को है।